नमस्कार, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास रहेगी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति व आभूषण वगैरह से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही आपके आने वाले एग्जाम यानी कि श्रम निरीक्षक भर्ती, जिसका एग्जाम आपका 24 जून को होने वाला है, यानी कि आपके पास मात्र बहुत ही कम समय बचा हुआ, यानी कि 7 से 8 दिन बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो बिल्कुल रिवाइज करके जाइए। हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। बात रही यह है कि देखिए कंप्यूटर की क्लास, छत्तीसगढ़ की क्लास, साथ ही यहाँ पर जो मैं क्लास करा रहा हूँ श्रम विभाग से संबंधित जो भी टॉपिक है, बिल्कुल एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन जनजाति से पूछे जाने वाले प्रश्न। बाकी और भी टॉपिक मैं कवर करा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया वो वीडियो आपने देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन व आभूषण से संबंधित प्रश्न। उसी प्रकार करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट हम कर चुके हैं, यानी कि देखिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ के कवर कराया जा रहा है, करंट अफेयर भी कवर करवाया जा रहा है। देखिए कल से स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास, है ना, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, आप वो वीडियो नहीं देखा तो जाइएगा, पार्ट वन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम श्रम निरीक्षक भर्ती में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनजाति संबंधित जो क्लास कराने वाले हैं, इसमें जो गिने चुने हम कराएंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आभूषण वगैरह से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और छत्तीसगढ़ के जो भी अगर आपको कुछ टॉपिक जो लगता है, अगर आपको जो भी मालूम है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की नदियां वगैरह से जलप्रपात और छत्तीसगढ़ भूगोल वगैरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी टॉपिक हम कराएंगे। 7 से 8 दिन बचा हुआ है, डेली क्लास करते रहेंगे, दोपहर 3 बजे, रात 8:30 से 9:30 बजे बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास, बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगता है एक बार लाइक करके जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जनजाति से प्रश्न। जनजाति से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद हम आभूषण वगैरह से प्रश्न देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम श्रम निरीक्षक भर्ती में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जनजाति से प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का। पहला प्रश्न आपके सामने, अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया के समय आपका पुत्री पुत्र विवाह किया जाता है, उस पर्व पर मनाया जाता है। कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुत्र पुत्री विवाह। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पर्व फाल्गुन माह में राज्य यानी कि गौड़ जनजाति द्वारा, आदिवासी द्वारा मनाया जाता है? आपका हो जाएगा मेघनाद। ठीक है, जो मेघनाद होता है आपका गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है, आपका हो जाएगा मेघनाद होगा। तीसरा है आपका कि इसमें से कौन सा पर्व सरगुजा क्षेत्र में गंगा पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, गंगा दशमी। इसके बाद चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्न में किसके द्वारा मनाया जाता है? जो आपका हरेली होता है यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार, आपका किसके द्वारा मनाया जाता है? किसान के द्वारा मनाया जाता है। उसी प्रकार रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण होगा रहस। ठीक है, रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण होगा रहस। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? जो आप सभी को मालूम होगा, जो बस्तर का जो मड़ई मेला होता है वो आपका दिवाली के समय, यानी कि दिवाली के समय आपका पर्व प्रारंभ होता है। छेरछेरा किससे संबंधित है? तो नई फसल के काटने से संबंधित होगा। किस पर्व पर मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है? फटाक से कमेंट करके बताइएगा, किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है? हरेली में, पोला में, अक्ती में या हलषष्ठी में? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर, है ना। सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, है ना, बिल्कुल रिवाइज क्लास चल रही है। अगर आप लोग तैयारी ही करना चाहते हैं, रिवाइज करके जाना चाहते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। मिट्टी के जो बैल की पूजा की थी है आपका पोला त्यौहार में। ठीक है, जो पोला त्यौहार होता है आपका तीज त्यौहार यानी तीजा पर्व मनाते हैं ना, जो स्त्रियाँ शादी होकर आती है वो अपने मायके जाती है ना, अपने पति के लिए उपवास वगैरह रखती है, इस ये है ना। राउत नाचा आ जाया आपका किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? CGPSC 2019 में पूछा गया है आपका दिवाली। ठीक है, तो चलिए आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि छत्तीसगढ़ का लेजा गीत से क्या आशा है,
नाग पंचमी के अवसर पर मुरिया जनजाति के नवरात्रि के समय या बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लोकगीत के लिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल पहला है, बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए। चलिए आप लोग फिर से कमेंट करके बताइएगा, छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा विख्यात है? कवर्धा, पेंड्रा, गरियाबंद या बस्तर, है ना? तो इसका आंसर बिल्कुल सही है आपका, डी बस्तर होगा। तो चलिए फिर से आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में मूलतः पर्व नहीं है? तो हरेली तो एक पर्व होगा, पोली भी एक पर्व त्यौहार है, छेरछेरा भी त्यौहार है, लेकिन ओणम नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। छेरछेरा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा, श्रावण अमावस्या, पौष माह की पूर्णिमा माघ में या पौष माह की अमावस्या में? तो इसका आंसर बिल्कुल बी होगा, पौष माह की पूर्णिमा में। ठीक है, हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो हरेली मनाया जाता है ना, उसका पहला त्यौहार कार्तिक में, श्रावण में, पूर्णिमा या बैसाख में? तो इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल बी होगा, श्रावण अमावस्या को। ठीक है, अब गेड़ी का महत्व किस त्यौहार के अवसर पर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो गेड़ी त्यौहार मनाया जाता है ना, वो किस महोत्सव पर होता है? दिवाली में किया जाता है गेड़ी का खेल, या फिर हरेली में, या होली में, या पोला में? जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। हरेली, हरेली बिल्कुल सही आंसर, जितने लोगों का आंसर भी आया है बिल्कुल सही है। अब देखिए, हरेली आप लोग मना लेते हैं छत्तीसगढ़ किसान का पहला त्यौहार है, उसी पर हरेली के बाद पोला, तीज त्यौहार, बहुत सारे अब इधर त्यौहार वगैरह चालू हो जाएगा ना। हरितालिका तीज, ये जो आपका हरे तीज तीज त्यौहार होता है ना, स्त्रियों से संबंधित होता है। चलिए आप लोग कमेंट कर बताइए कि जादू टोना में तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है? तो इसके लिए आंसर होगा आपका जादू टोना तंत्र मंत्र के लिए आपका हरेली ही होगा। ठीक है, ये सॉरी ना, हाँ सॉरी, एक मिनट ना, गलती नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, हरेली ही है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइएगा, कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर खेलने की परंपरा है? जो कुश्ती वगैरह खेले जाते हैं रथ यात्रा में, गेंडी पर्व, नागपंचमी या हलषष्ठमी? तो इसका आंसर बिल्कुल होगा आपका नागपंचमी में। बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है? कमेंट करके बताइए। बस्तर का दशहरा से मैं संबंधित क्लासेस करा चुका हूँ, जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है, जाके आप देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको पूरा कंबाइंडेड क्लास किया कराया गया है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप एडीओ की तैयारी करें, पटवारी की, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, वहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा आपको 75 दिनों तक ही चलता है। कितने दिन तक चलता है? 75। बाकी जो बस्तर का दशहरा प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, दिवाली के पश्चात, दिवाली जो होता है ना, उसके बाद माटी त्यौहार ही मनाते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताएं कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस आयोजित होता है? चलिए, अब नृत्य संबंधित प्रश्न देखिएगा, इसके बाद फिर आभूषण से देखेंगे। बस्तर में डंडारी नृत्य वगैरह, ठीक है, छत्तीसगढ़ जनजाति से नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, पेय पदार्थ वगैरह से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लें क्या पहले नृत्य वगैरह से, चलिए ठीक है, तो अभी पहले आभूषण वगैरह से क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नृत्य संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, डंडारी नृत्य आपका होली में ही किया जाता है जो, ठीक है, डंडारी का मतलब होता है डंडा नृत्य, ठीक है, जो सुवा नृत्य टाइप का किया जाता है ना, उसी प्रकार होली में जो डंडा डांडिया बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए हम तो दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, है ना, वो क्या बोलते हैं, इसके बाद नृत्य वगैरह से या आभूषण वगैरह से, है ना। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा पूष पुण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपको पूष पुण्य के नाम से, ये आपका हो जाएगा छेरछेरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदमती और कपाली किस लोक नाट्य की शाखा है? वेदमती और कपाली कौन से? ककसार, नाचा, चंदनी गुंडे, पंडवानी? तो इसका आंसर बिल्कुल आंसर आएगा पंडवानी, है ना, जो वेदमती और कपाली की शैली है पंडवानी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नित्य वगैरह से क्वेश्चन या फिर आभूषण वगैरह से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
20 एमसीक्यू हम आभूषण से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। एमसीक्यू देखेंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आभूषण वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, एक बार रिवाइज करके जरूर जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि हो सके तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि अन्य विद्यार्थी या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आभूषण से। तो खिनवा शरीर में किस अंग में पहुंचा जाता है, जो खिनवा होता है ना आपका कान में। सूता शरीर के किस अंग का आभूषण है, मैं पीले रंग के चिन्ह में आंसर बिल्कुल स्टैटिक करके दे दिया हूँ, है ना, जो चिन्ह आपको जल्दी से दिख जाएगा, ठीक है। तो फटाफट 20 एमसीक्यू करें। चलिए, सूता शरीर के किस अंग का आभूषण है, तो आपका गला हो जाएगा। उसी प्रकार नांग मोरी किस का आभूषण है, किस अंग का, नांग मोरी आपका भुजा, ठीक है। निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं, तो इसका आ जाएगा सूतिया। डायरेक्ट आपका आंसर कराते जा रहा हूँ, और वीडियो में एक बार में समझ नहीं आता, वीडियो को डाउनलोड कर दीजिएगा, एग्जाम से पहले आप लोग देख के जरूर जाइएगा। बनवारिया कहाँ पहना जाता है, बनवारिया का मतलब होता है हाथ में जो पहनते हैं ना कलाई वगैरह में, वही है बनवारिया। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहुंचते हैं, हाथ में। पहुंची का मतलब होता है जो शरीर में अंग में हाथ वगैरह में पहनते हैं ना वही, ठीक है, कमेंट ना करें ना। इस राज्य के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण खिनवा कहाँ पहनते हैं, तो खिनवा हमेशा कान में ही पहना जाता है, ना कि पैर में पहना जाएगा। छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्न किस भाग में पहना जाता है, तो गला, याद रखना ना, कंठ में, जो पुतरी का मतलब होता है, ये नांग मोरी टाइप के इस प्रकार रहता है ना, उसको गला में पहना जाता है। निम्न में से आभूषण नहीं है, तो आभूषण कौन से नहीं, सांटी एक आभूषण है, बिछे आभूषण है, नथिया आभूषण है, कि सैकमा क्या है, पता नहीं सैकमा क्या है ना, आभूषण नहीं है। कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है, तो देखिए पहुँची तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सूता, हंसली और पुतरी ये सभी पहना जाता है, जबकि पहुँची गला में पहनते हैं ना, हाथ में पहनते हैं, हाथ में। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है नांग मोरी। बाजूबंद देखिए, बाजूबंद जैसे आप हाथ में जो इस तरह का बाजू में पहनते हैं ना, इस प्रकार का कुछ कुछ ऐसा टाइप का रहता है ना, वो नांग मोरी टाइप का रहता है। बहुटा का मतलब होता है आपका बाँह में पहनने वाला आभूषण, बाँह में, बहुटा मतलब बाँह में पहना जाता है। गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंग या पलाश के माला को हम सुहई कहते हैं, जो दिवाली के अवसर पर है ना, जो एक दिन के बाद होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो गाय लोग को क्या कहते हैं, खिचड़ी खिलाया जाता है, खिचड़ी खिलाया जाता है उसी दिन, जो चरवाहा होता है मतलब जो बर्दिया होता है वो घर में आके गाय को सुहई बांधा जाता है, ठीक है। मुंदरी पहना जाता है, मुंदरी अंगुली में पहना जाता है ना। चलिए अब देखते हैं, हरैया शरीर के किस अंग में पहनते हैं, हरैया का मतलब होता है बाँह में, ठीक है। कमर में कौन सा आभूषण पहना जाता है, कमर में क्या पहनते हैं, करधनी तो पहनेगा क्या, कि साटी पहनेगा है। बिछिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है, बिछिया जो है आपको पैर की उंगली में पहनेगा ना भाई, ना कि हाथ में पहनेगा, हाथ की अंगूठी में पहनेगा, बेवकूफ, बिछिया पैर में पहनते हैं। तोड़ा लच्छा पहना जाता है, पर पैर में जो तोड़ा होता है, लच्छा वगैरह होता है ना, पायल वगैरह, पायल बोलते हैं उसको, साँटी बोलते हैं, ये सब ना आपको पैर में पहना जाता है। मैं इसलिए पीले रंग का है उसमें चिन्ह कर दिया हूँ, बिल्कुल आप लोग आंसर फटाक से कर लीजिएगा ना, एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हंसली ढोंगली शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो गले में पहना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नित्य से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम पूरा देखेंगे नित्य वगैरह से, है ना। तो इनमें से कौन सा आभूषण है जो नाक में पहना जाता है, नथनी, ठीक है। तो चलिए हम नित्य वगैरह से या पेय पदार्थ वगैरह से क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो सल्फी आपका पेय पदार्थ है और जनजाति से संबंधित देखेंगे। सल्फी मुड़िया माड़िया, सल्फी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, सल्फी वृक्ष से, मुड़िया और माड़िया। ताड़ी किससे पाया जाता है, ताड़ी आपको बैगा जनजाति के लोग प्रयोग करते हैं, ताड़ वृक्ष छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं, ठीक है। हांडिया का मतलब होता है चावल के आटे से बना हुआ, जो कि कोरवा जनजाति से संबंधित है। उसी प्रकार छिंद रस है माड़िया और आकुज माड़िया, जो छिंद के वृक्ष से निकाला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका हो जाएगा पेज में, जो गौड़ जनजाति चावल से बनता है, कोसमा का हो जाएगा उरावे में से, एग्जाम में व्यापम में बार बार पूछा जाता है, जितने भी है सभी व्यापम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए एक और देख लेते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा है ना, सब पढ़ के जाएंगे जनजाति वगैरह से।
जनजाति के कार्य से संबंधित प्रश्न देखें। जनजाति के और परंपरागत कार्य क्या कार्य किया जाता है? तो अघरिया लोग आपका लोह शिल्प का कार्य करते हैं, अयस्क गुलाकर लोहा तैयार करते हैं। कमार लोग बांस शिल्प कला टोकरी का निर्माण वगैरह करते हैं। कंडरा लोग बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। चलिए और देखते हैं बिरहोर कौन से कार्य करते हैं। तो बिरहोर आपको बांस शिल्प कला, बांस का जो बर्तन बनाते हैं ना रस्सी निर्माण का, वो धनवार है। बांस शिल्पकला हलवा कृषि कार्य करते हैं। चिवड़ा पोहा बनाते हैं, आपको व्यापम में पूछा गया है। ये बिरहोर भी आपके व्यापम में पूछा गया है। चलिए धुरवा जनजाति, ये भी आपके व्यापम में पूछा गया। धुरवा जनजाति आप मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है, जो कि गन्ना वस्तु क्रय विक्रय करता है, व्यापम है। उसके खड़िया आपका पालकी ढोने का कार्य करते हैं। कोरकू भूमि खोदने का कार्य करता है ना, कोरकू जो जनजाति होता है जमीन को खोदने का काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो खड़िया होता है पालकी ढोने, पालकी का मतलब होता है जो शादी में होता है ना, जो वो जो वर वधु वाला जो विवाह होता है उसमें वधु को जो एक इस प्रकार का होता है ना, क्या बोलते हैं, इस प्रकार ये रहता है, इस प्रकार बीच में रहता है, फिर पर्दा लगा रहता है, फिर यहाँ बैठी रहती है वधु, है ना, तो उसको पालकी में बैठा कर लिया जाता है, पालकी में, ठीक है। इस प्रकार का जो एक आदमी हो गया है वो पालकी में बैठा कर ले जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, है ना, इस प्रकार में आपका ऐसे कुछ कुछ बना दिया रहूँ। ये आपका पालकी में बैठा कर उसको लिए जाया जाता है, ये ओवर वो है ना, ठीक है, समझ गया ना। खैरवार, ये भी आपके व्यापक में पूछा गया। खैरवार का मतलब कत्था निकालने का काम करते हैं। पारधी काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। कंवर जाति सैन्य कार्य करते हैं। भथरा सेवा का कार्य करते हैं, है ना। और कोल है आपका, कोल है कोयला खोदने का कार्य। शिकारी छीन पत्ते से चटाई टोकरी झाड़ू वगैरह से। ओझा है आपको गोदना गोदने का कार्य वगैरह से। ये भी आपके व्यापार में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओझा गोड़ यानी कि गोदना गोदने का कार्य करता है। प्रधान है गाथा संगीत कार्य। सांवरा क्या है, सांप पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। सांवरा क्या करता है, सांप पकड़ने का काम करता है। अब उसके पर बैगा बीमारी और किसी बाधा जड़ी बूटी वगैरह। प्रजा पशुपालन है ना। पंडो कांस शिल्प कृषि गदबा घरेलू अबुज माड़िया काष्ठ शिल्प कला, है ना। अब देखते हैं माड़िया अबुज माड़िया है ना, गदबा ये घरेलू कार्य है, काष्ठ शिल्प लगा काष्ठ लोहा शिल्प लगा, ठीक है। ये हमने कार्य से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, और कुछ और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्रश्न देख लेते हैं जनजाति से, है ना। नृत्य से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, फिर 20 MCQ नृत्य संबंधित प्रश्न देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगा, एक ही वीडियो पर पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मुड़िया जो जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं, आपका मांदरी नृत्य करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपका एग्ज़ाम आपके लिए, देखिए जो आपका एग्ज़ाम है श्रम निरीक्षक भर्ती का, इसका एग्ज़ाम आपका लेबर इंस्पेक्टर का जो 24 जून को होने वाला है, यानी कि आपके पास मात्र कम समय बचा हुआ है। कितना दिन बचा होगा, 7 से 8 दिन बचा होगा, है ना, इसीलिए कह रहा हूँ रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, है ना। वीडियो को आप लोग रिकॉर्डेड क्लास करके अपलोड किया जा रहा है, जो कि रिवाइसेस है, ठीक है। तो जो मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं, मुरिया जनजाति आपका मांदरी नृत्य करते हैं। मुरिया मतलब मांदरी नृत्य। पंथी नृत्य आपका राउत जाति से संबंधित है, राउत नृत्य किया जाता है। बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य प्रकार का क्या है, तो बैगा आपका हो जाएगा कर्मा। हुलकी नृत्य आपको मुरिया हो जाएगा। उसी पर बिल्मा बैगा से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं जो बिल्मा है आपको बैगा से। सैला नृत्य बैगा से संबंधित है। बिल्मा नृत्य, सैला नृत्य, डंडा नृत्य सब बैगा से संबंधित है। मुरिया जनजाति पुष्प कुलांग का मतलब होता है पुरुष से संबंधित, और सैला रीना नृत्य उपयुक्त सभी है, तो सैला नृत्य आ जाता है। उसी पर मांदरी नृत्य कौन सा है, मांदरी मतलब मुरिया, है ना। उराव जनजाति सरहुल नृत्य से संबंधित है, सभी में टिक लगा कर रख दिया हूँ, है ना। इसका PDF आपको नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका PDF क्या करोगे आप लोग, हैं, PDF मैं आपको दे दूंगा, फिर भी आप लोग को ऐसे ही रिवाइज करके थोड़ी नहीं जाओगे, एक बार पढ़ोगे भी नहीं, पढ़ते भी नहीं हो। PDF में आपको अगर मैं दे भी दूँ तो आप पढ़ोगे नहीं, इसीलिए वीडियो को देखो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, ठीक है। एक बार में आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को दोबारा देख लो, क्या है अगर वीडियो को आप देखते जाओगे ना तो उसमें एक बार कम से कम, अरे हम तो कम से कम वीडियो में देखे तो ज़रूर हैं, अगर PDF में आपको दे भी देता हूँ तो PDF आप लोग क्या करोगे, हैं, PDF आप लोग रख लोगे फिर खोल के देखोगे नहीं, इससे अच्छा वीडियो में तैयारी कर लो, ठीक है। हाँ, इसके बाद करंट अफेयर की क्लास होगी और कंप्यूटर की क्लास होगी, ठीक है। तीनों ही सब लोग पढ़ लो ना, सब के सब पढ़ लो, जो करा रहा हूँ। PDF तो मैं देने वाला नहीं हूँ, अब मैं आपको PDF नहीं देने वाला मैं, क्योंकि अगर मैं आपको PDF दे देता हूँ आप लोग पढ़ाई नहीं करते, वीडियो में पढ़ाई करो, ठीक है।
वीडियो एक बार में नहीं होता तो दोबारा देखो, इससे आपको याद होगा। पीडीएफ पढ़ोगे तो अरे देख लिया, हो गया, चलिए पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, ये काम नहीं करना है ना। मैं पीडीएफ देना ही नहीं चाहता मैं आपको। अब वीडियो को लास्ट तक देखो, इससे अच्छा याद होगा। सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो सरगुजा। गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? डंडामी माड़िया, ठीक है। उसके बाद मुरिया जनजाति का माओ पाटा नृत्य से संबंधित है आपका शिकार नृत्य। सुवा नृत्य कब करते हैं? तो सुवा नृत्य आप कब करते हैं? दिवाली में, ठीक है, दिवाली में। उसके बाद है गौर नृत्य करते हैं माड़िया जनजाति, गौर नृत्य माड़िया जनजाति, है ना। किस नृत्य से विकास के लिए चक्रधर से सम्मान दिया गया? कथक, है ना, कथक। और गेंडी नृत्य मुरिया जनजाति लोग करते हैं। और गेंडी नृत्य कब किया जाता है? कब स्टार्ट है? हरेली में, है ना, हरेली में, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार। दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग करते हैं। उसी प्रकार आपका किस नृत्य में आखेट माओ पाटा, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से, यहाँ पर कि इनमें से कौन से नृत्य जो महाभारत की कथाओं पर आधारित है आपका पंडवानी, यानी कि टोटल छत्तीसगढ़ जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। ऐसी डेली अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, श्रम विभाग में जो भर्ती निकली है 34 पदों का, जिसका एग्ज़ाम आपका 24 जून को होने वाला है, यानी कि आपके पास मात्र बहुत ही कम समय बचा हुआ, यानी कि 7 से 8 दिन बचा हुआ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को सबसे पहले जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक जो तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो पार्ट और लेकर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट और लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरा परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगता है तो डेली हम लेकर आएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक ही वीडियो आपको छत्तीसगढ़ कवर करा दूंगा, लेकिन अभी क्या है मेरा कंप्यूटर की क्लास चलने वाली है, उसकी प्रकार आपको करंट अफेयर की भी क्लास लेने वाला हूँ, तो कल लेंगे फिर, ठीक है, छत्तीसगढ़।